नमस्कार साथियों, यूपीएसआई को लेकर के सारी अपडेट्स आज की जो है, कोर्ट में क्या चल रहा है, नोटिस के जवाब अभी तक आए या नहीं आए, और साथ ही रिजल्ट में क्यों इतनी डिले हो रही है, इतना लेट क्यों हो रहा है, आयोग में क्या चल रहा है, इन सारी बातों पे एक चर्चा करेंगे। पर उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि पर कल जैसा कि आपको पता है कि द्रिवेश शर्मा जी जो यूपीएसआई के याची हैं, उनको मैंने अपने यूट्यूब पे बुलाया था चैनल पे। उसके एक दिन पहले से काफ़ी सारे लोग ट्रोल कर रहे थे, मतलब 10-12 लोगों की संख्या होगी जो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे कि आप प्रचार कर रहे हो और उल्टी सीधी बातें करते, भैया क्यों कर रहे थे। डे वन से जब से ये एसआई की बात शुरू हुई है, तब से अगर आप सबके साथ कोई खड़ा हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। ध्रुवेश शर्मा जी को इसलिए अपने चैनल पे लाया कि ध्रुवेश शर्मा जी से जो लोग भी मिल रहे थे, जो भी मिल रहे हैं, वो वैसे लोग हैं जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, जो भर्ती रद्द करने की बात कर रहे हैं, जो फिर से परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो उन्हें इसलिए यहां पे लाया है कि यहां एक पक्ष और बैठा है जिसे आप देखिए, समझिए कि कितने सारे लोग यहां भी हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि अगर हमारे सामने जो दिखता है ना सर, हम सिर्फ उतने को देखते हैं। अगर हमको कुछ और देखना है तो हमें अपनी आंखें घुमानी पड़ती हैं या जगह बदलना पड़ता है। सेव की दुकान पे सिर्फ सेव दिखेगा। इसलिए मैं उन्हें अपने चैनल पे लेके आया ताकि यहां उन विद्यार्थियों के, उन साथियों की भी समस्याओं को समझे। और आखिर आपने देखा उसका क्या हुआ? हमने भी उनसे यही कहा ना कि देखिए जो भी हो एग्जाम, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इवन हमने आप सबसे प्रॉमिस किया कि जो भी होगा, अगर कुछ भी आप सबके साथ नाइंसाफी होगी, इवन आई विल स्टैंड फॉर यू इन द कोर्ट। उसमें मुझे यह कहा जा रहा है कि भैया तुम वकील भी हो, पढ़ना आता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ना आता है, क्या लिखा है, मतलब कुछ भी बोलते रहते। एक लिमिट होती है, पेशेंस होती है बात सुनने की आप सबकी। 10-12 आप लोग हो, आप लोग हमको पता है, हमें सब कुछ पता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आपका चैनल नहीं चल रहा है, ये सब यार ठीक है यार, बट डोंट यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स यार। मैं ऐसा हूं नहीं जो मैं बर्दाश्त करूंगा इन सब चीजों को, मैं ऐसा सुनना पसंद नहीं करता, इवन मैं किसी से ऐसी बातें भी नहीं करता। तो मुझसे आप इस तरीके की बातें मत कीजिए, आप ना देखिए कोई दिक्कत नहीं है। डिड आई से प्लीज कम एंड वॉच माई वीडियो? मुझे चाहने वाले, मुझे देखने वाले लोग हैं जो देख रहे हैं, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही साहब? और आपकी ये ट्रोल वाली बात है ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे वीडियो में, पूरे इंटरव्यू में आपको कहीं भी लगा कि हमने आप सबका साथ छोड़ा है? अगर किसी एक बंदे को लगा हो कि हमने आपका साथ छोड़ा हो, उन्हें यही बताने का मकसद था कि भैया देखिए आप जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने मेरिट के दम पर रिजल्ट लेकर आए हैं और उनको किस्मत से अच्छे नंबर आए हैं और उन्होंने मेहनत की है, तो उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और ये पक्ष उनको दिखाने के लिए उन्हें यहां लाने से बेहतर क्या था, बताइए, आप बताइए कि और कौन ऐसा प्रयास कर रहा है, और कौन आप सबके लिए ऐसी बातें कर रहा है किसी से कि नहीं इनका हक नहीं खराब होना चाहिए। परसों मैंने एक लेखपाल की, कल एक लेखपाल की पोस्ट डाली थी, तो मुझे कहा गया कि एक बात बता, वर्ड सुनिए, मैं चाहूं तो कमेंट का स्क्रीनशॉट दे दूं। मुझे कहा गया कि ये बता कि तू क्या जानता है लेखपाल के बारे में? अरे आपको पता भी है मेरे बारे में, जो मुझे जानते हैं पूछिए कि क्या पता है। लेखपाल की नौकरी छोड़ के बैठा हूं भैया 2015 में, कुछ भी बोलते हो यार। ये एडवोकेसी है जो है ना, ये मेरी च्वाइस है सर, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है नौकरी में बंद के रहना, 9 से 6 की शिफ्ट करना मुझे नहीं पसंद है। पर आप लोग उसको मेरी ये मजबूरी या जरूरत समझ करके मेरे पीछे, आप देख लीजिए, घर ही देख लीजिए, अकेला रहता हूं सर। इस तरीके से आप ट्रोल मत कीजिए प्लीज, आप नहीं देखना चाहते मत देखिए। आई एम सॉरी फ्रेंड्स कि मैं आप सबका भी टाइम इन गधों की वजह से ले रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं, पर क्या करूं दोस्त, आप भी समझ सकते हो, आपको कोई कंटिन्यू ट्रोल करेगा तो आप कितना एडजस्ट कर पाओगे। तो मैं आप सबको बताऊं कि री एग्जाम की जो भी बात है, देखिए अगर आप में से किसी के साथ भी कोई भी गलत होता है, कुछ भी होगा ना ऐसा, जो जेन्युइन कैंडिडेट से उनका उनका हक मारा जाएगा, देन आई विल स्टैंड फॉर यू, आई प्रॉमिस यू, ये मेरा वादा है आपसे। और आप सब जो सुनते हैं ना कि भैया वकील हो, वकालत करो, तो उसके साथ एक और वर्ड यूज होता है, आल्सो आई एम फैकल्टी एट लॉ हाउस, तो वो आपको नहीं सुनाई पड़ता। फैकल्टी का मतलब समझते हैं क्या होता है? शिक्षक होता है। मुझे अच्छा लगता है आप सबसे बात करना, मोटिवेट करना, या फिर आपको नॉलेज देना, या जो मैंने सीखा है वो आप तक कन्वे कर देना, पर ऐसे ट्रोल मत किया कीजिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं, मुझे माफ कीजिए मैंने आपका टाइम काफी ज्यादा ले लिया। अब आते हैं यूपीएसआई को अपडेट को लेकर के। तो देखिए रिट 3 बन रही है, अशोक खरे सर की रिट अभी तक फाइल नहीं हुई है, सुनील शर्मा सर की रिट का टेबल पे नंबर है, एक ही जो रिट है जो बहुत तेजी से आगे निकल रही है वो है ध्रुवेश शर्मा की, ठीक है, सॉरी सुधीर चौधरी सर का अभी तक नहीं हुआ है, और ये ध्रुवेश शर्मा की रीट जो है वो नंबरिंग पे आ गई है और उसकी सुनवाई होगी। और इसने इन्होंने ध्रुवेश शर्मा जी ने नोटिस भेजा है भर्ती बोर्ड को, लेकिन भर्ती बोर्ड अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, अभी तक नोटिस शायद पहुंचा भी नहीं होगा। और कोर्ट में जो है, आपको पता है कि आज बरसात हो रही है इसलिए कोर्ट बंद है,
मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, उसमें लिस्टिंग हो गई है केस की और बहुत जल्दी इसकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन ये जो भर्ती के जो रिजल्ट्स अटक रहे हैं, इसके बारे में भी एक सूचना आ रही है कि अब यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, मतलब आप देखिए कि पूरी इलेक्शन कैंपेन चलेगी, पक्ष के विपक्ष की सबकी रैलियां चलेंगी, उसमें भीड़ होगा, लेकिन भर्ती के लिए कोरोना है। कमाल है सर। तो भर्ती बोर्ड में कुछ लोग जो हैं, मतलब जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि कोरोना के बढ़ते हुए लहर को देखते हुए फिलहाल हमें फील्ड में नहीं उतरना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मास गैदरिंग की वजह से तो उसके उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो एक सुझाव गई है भर्ती बोर्ड के कुछ लोगों की तरफ से भर्ती बोर्ड को कि कोरोना को देखते हुए भर्ती को थोड़े दिन के लिए मतलब रोक दिया जाए। अब ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा, अटपटा लगा। अब आप फिर बोलेंगे कि भैया आपको कैसे पता, वो इसलिए पता है कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मतलब, और एक जो फोन आपने देखा होगा कि एक नोटिस वायरल हो रहा था, तो उस पर एक साथी ने फोन किया था, मैंने भी फोन किया था, तो देखिए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए नोटिस आया है लेकिन डेट डिसाइड करके नहीं बताया गया है, तो जैसे ही भर्ती का डेट डिसाइड होगा आप सबको पता चल जाएगा। इस बीच में आप पैनिक ना हो और आप परेशान ना हो, लेखपाल की भर्ती भी आ गई है तो आप उस साइड में भी थोड़ा सा अपने आप को शिफ्ट करें ताकि आप पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग से ना ये जो है ना ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो उसकी तरफ शिफ्ट कर लीजिए। और ट्रोल आर्मी ट्रोल करना बंद कीजिए। याचिका जो लोग याची बन रहे हैं उनके बारे में बताएं कि बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे थे कि उसमें फ़ायदा नहीं हुआ था एज रिलैक्सेशन में। देखिए एज रिलैक्सेशन में फ़ायदा हुआ था लेकिन सिर्फ कोर्ट ने उन लोगों को ही एक्सेप्ट किया था जो लोग याचिका करता थे, उनको दे दिया था रिलैक्सेशन, बाकी लोगों को नहीं दिया था कोर्ट ने। तो ये था कोर्ट का। अब बाकी जो भी कोई विशेष अपडेट आएगी मैं आप सबके बीच में आ जाऊंगा। हाँ, वीडियो भर्ती को लेकर के एक अपडेट आई हुई है तो मैं उसको थोड़ा सा कंफर्म कर रहा हूँ कि वीडियो भर्ती को लेकर के डबल बेंच वाली जो बात है उसमें क्या रिलेवेंसी है, उसको एक बार कंफर्म करने के बाद मैं आप सबके बीच में आ जाऊँगा वापस। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। बाकी कोई जरूरी बात होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। प्रणाम।